पाठ तीन, स्वच्छता। मोहन इस शहर में नया नया आया था। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता। खेलकूद में वह सबसे आगे रहता। जल्दी ही कक्षा में उसके कई मित्र बन गए। अजय उसका सबसे अच्छा मित्र था। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। चीची, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थीं और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा, नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए हुए थे। अजय ने मोहन को अपनी मां और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जी बीमार थीं। मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थीं, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थीं। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माता जी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। नालियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया।
उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए। हाँ जी जी बिल्कुल। और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहां आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। हाँ जी जी बिल्कुल, साफ जी हाँ वैसे करेंगे। कठिन शब्द स्वच्छता, स्वच्छता, कूड़ेदान, कूड़ेदान, इकट्ठा, इकट्ठा, भिनकना, भिनकना, नगर पालिका, नगर पालिका, दोष, दोष, गंदगी, गंदगी, प्रारंभ, प्रारंभ, मोहल्ला, मोहल्ला, उत्साह, उत्साह, सप्ताह, सप्ताह, व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति।